नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गुजरात की जनता गुजरात सरकार से त्रस्त है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए लोग कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में काफी लोगों ने नौकरी गवा दी। इसी बीच लोगों का कहना है कि गुजरात सरकार जिस तरह से वादे करती है वो निभाती नहीं है। सुनिए गुजरात की कहानी लोगों की जुबानी हमारे संवाददाता प्रणव के साथ। आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार दिन पर दिन महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, और लोगों जो जनता है वो जनता दिक्कतों का सामना करती हुई नजर आ रही है। लगातार पेट्रोल डीजल और सभी चीजों में दाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका सीधा ही सीधा असर जनता को ऊपर भार आता है। इस प्रकार से मैं पेट्रोल पंप पे आया हुआ और जिस प्रकार से लगातार हर दिन पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते रहते हैं, आइए हम लोग जानते हैं जनता के बीच में जाके कि क्या राय है उन लोग की और क्या महसूस कर रहे हैं इस प्रकार से भाव बढ़ते हुए, उनसे मुख से हम लोग सुनते हैं। जी हाँ, मेरे साथ एक बुजुर्ग जुड़ गए हैं। जिस प्रकार से देश में और लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। सरकार को ये टैक्स के, ये फ्यूल के अलावा कोई टैक्स है ही नहीं, यही प्रॉब्लम है। लेकिन सर, सरकार तो यही बता रही कि हमारा लेना देना इसमें कुछ नहीं है, जो कंपनियां हैं जो पेट्रोल डीजल, खुद गवर्नमेंट का पर लीटर 33 रुपीज़ है टैक्स, ये बहुत गलत है। ये पाकिस्तान जैसे नेबर कंट्री में इससे सस्ता है, नेपाल में सस्ता है, सब जगह सस्ता है। गवर्नमेंट का टैक्स बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से ये पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कोरोना मरीज के भी जो मरीज है लगातार गुजरात में बढ़ते जा रहे हैं। काफी जगहों पे जो थे रंधा रोजगार स्टॉप कर दिए गए हैं, काफी गार्डन्स वगैरह है, एएमसी ने काफी बसेस बंद कर दी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये सरकार का सही डिसीजन है, बहुत जल्दी लेना था, मगर इंडस्ट्री लेबर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सरकार के लिए ऐसे ही कहना चाहूँगा कि अभी जो भाव बढ़ रहा है तो सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और जो भाव है थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के पास अभी रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, और आमदनी कम हो गई है, तो जो आम जनता है उसको बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार कह रही है, सीधी सीधी सरकार कह रही है कि ये जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं वो सरकार के हाथ में नहीं, वो कंपनियों के हाथ में है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो अभी सरकार को ही पता होगा ना कि वो क्या बोल रही है, वो गलत बोल रही है। सरकार गलत बोल रही है, गलत बोल रही है। जिस प्रकार से ये महंगाई की का तो भार जनता के ऊपर था ही था, लेकिन जिस प्रकार से अभी गुजरात में कल से लगातार 10 बजे से कर्फ्यू स्टार्ट हो रहा है और पूरे दिन में काफी सारी जगहों को स्टॉप कर दिया गया है, काफी सारी बसेस की सेवाओं को स्टॉप किया गया है, उनके ऊपर सीधा जनता को भार आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जनता को तो तकलीफ होगी ना, क्योंकि बस सेवा बंद हो रही है, BRTS बंद हो रहे हैं, तो आम जनता क्या करेगी? रिक्शा ऑटो वाले सब भाड़ा ज्यादा लेंगे, तो परेशानी जनता को भोगनी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं जनता के ऊपर भार आ रहा है? जनता के सरकार के भाव डीजल का बहुत ज्यादा है, हम गरीब लोग है, हमारे नौकरी धंधा में हमारा कुछ पगार है नहीं है, पेट्रोल और डीजल का भाव बहुत बढ़ रहा है, 80-90 रुपया पेट्रोल होता ही है, डीजल होती है, हमारे को खाने का कैप 7,000 पगार देती है हमारे को, हमारी कंपनी किचन एक्सप्रेस, और हमारा कुछ 7,000 में कुछ होता नहीं है, भाड़े का 3,000 रुपया जाता है और लाइट बिल 1,000 रुपया होता है, और हमारे को कुछ खाने का बीबी है, बच्चा है, और क्या करने का सर, सरकार को क्या कुछ हमारे बारे में, गरीब बारे में कुछ विचारने का होता है तो कोई कुछ करते नहीं है। जिस प्रकार से महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और दूसरा राउंड कोरोना मरीजों का बढ़ता जा रहा है, लगातार काफी जगहों पे सील किया जा रहा है, काफी जनता को दिक्कत हो रही है, ऐसे सरकार कार्य कर रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कंट्रोल हो जाएगा कोरोना? ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन जितना ज्यादा लॉकडाउन लगाने से तो अब कुछ होगा नहीं, वैक्सीन ज्यादा लगाएंगे लोगों को तभी बेटरमेंट होगा, और सब लोगों को मास्क पहनने के लिए एनकरेज करेंगे तभी सही होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तभी सही हो पाएगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि जब चुनाव आया, चुनाव में काफी सारी सभी पार्टियों ने रैलियां निकाली, सभाएं की, उसमें कहीं ना कहीं संक्रमित हुए काफी लोग, तब जाके लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं थी, नहीं किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, नहीं मास्क पहना जा रहा था, अभी जनता को सीधा
मास्क पहनने के लिए बोल रहे हैं और सब कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या उनके बारे में आप जनता हो, आपको क्या कहना चाहिए इसमें? ये देखिए, ये पता नहीं है इसमें, लेकिन जिसको अगर जो जाता है उसको मास्क पहनना चाहिए, और क्या, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखे तभी वो ठीक है। अच्छा, मास्क पहनना भी चाहिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, उनका कहना था। कहीं ना कहीं जो जनता है ना, वो दिक्कतों का सामना करती हुई नजर आ रही है। काफ़ी पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में काफ़ी जनता दिक्कतों का सामना करती हुई नजर आ रही है। देश की जनता भी दिक्कतों का सामना नजर करती हुई नजर आई है। जो गरीब जनता है उनके पास पैसे नहीं है, जो आमदनी है अठन्नी है वो काफ़ी कम आ रही है, सैलरी है काफ़ी कम है। ऐसे गरीब परिवारों को हर दिन का जो 100 रुपये का जो पेट्रोल डीजल पुराना है वो पूरा नहीं सकते। तो इस माहौल में लोग क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को ही सोचना पड़ेगा। इसके लिए जनता सरकार को अपील कर रही है कि जिस प्रकार से जो लगातार हर दिन पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, उसको सरकार कहीं ना कहीं जाके कम करे। इसके लिए सीधा जनता कम दामों में पेट्रोल और डीजल मिले, ऐसा करना चाहिए। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।